हेलो फ्रेंड, मैं राकेश कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ सी लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग की क्लास नंबर 9। और इस क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप एक दो डिजिट नंबर को डिजिट सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, इट मींस जैसे कि सपोज मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 23, और इस नंबर 23 को मैं डिजिट सेपरेशन करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो नंबर डिजिट को सेपरेट करने के लिए, टू डिजिट नंबर को सेपरेट करने के लिए दो डिफरेंट वेरिएबल्स होने चाहिए, जिसमें ए इसमें आना चाहिए ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 3, कुछ ऐसा होना चाहिए मेरे पास। अगर मैं इस नंबर को चेंज कर दूं और मैं कर दूं 46, तो मेरे पास ए के अंदर आना चाहिए 4 और बी के अंदर आना चाहिए 6। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का प्रोग्राम हम बनाने चाहते हैं और बनाने जा भी रहे हैं। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में से डिवाइड ऑपरेटर और इसके अलावा आपको मोड ऑपरेटर की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिसकी आपने पहले प्रैक्टिस की होगी। और अगर नहीं की है तो कोई बात नहीं, मैं अभी इसको कंप्लीट कराता हूँ। तो चलिए, अभी हम क्या करने जा रहे हैं, टू डिजिट नंबर लेकर हम डिजिट सेपरेशन करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमारा आज का टारगेट है, टू डिजिट नंबर हमें लेना है और उसकी डिजिट सेपरेशन करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मुझे सबसे पहले मेरी दोनों हेडर फाइल्स यहाँ पर बनानी होंगी। तो देखिए, मैं हेडर फाइल बना लेता हूँ। और ये मैंने हेडर फाइल बना लिए हैं और मेरा मेन फंक्शन भी यहाँ पर मैंने बना लिया है। और इसके अंदर मेरे बाय डिफ़ॉल्ट दोनों फंक्शन जैसे क्लियर स्क्रीन और गेट सी एच भी मैंने लिख लिए हैं। तो हमारा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो गया। चलिए, अब एक बार मैं फिर दोबारा से आपको डिक्टेट कर देता हूँ कि हमने करना क्या है। हमारे पास एक नंबर होगा, हम नंबर यूज़र से भी पूछ सकते हैं और इसे स्टैटिक बना सकते हैं। नंबर है 23। अब देखिए, मुझे दो वेरिएबल लेने होंगे, जिन वेरिएबल्स के अंदर मैं इन वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूँ, इसकी डिजिट्स को स्टोर करना चाहता हूँ। तो मैंने दो डिजिट नंबर सेपरेशन के लिए ए और बी दो वेरिएबल ले लिए। अब देखिए, अगर आप अपने किसी नंबर को डिवाइडेड बाई 10 से करते हैं तो हमेशा आपको इसका आंसर मिलने वाला है। आंसर मतलब जैसे आपने प्राइमरी में क्वेश्चन डिवाइड के किए होंगे, तो वहां पर एक आपको आंसर मिलता है और एक उसका रिमाइंडर मिलता है। तो यहां पर डिवाइड ऑपरेटर यूज करके आपको आंसर मिलने वाला है। और अगर आप नंबर को मोड बाई 10 करते हो तो इसमें आपको रिमाइंडर मिलने वाला है। ठीक है, तो ये रिमाइंडर आपको मिलेगा। और तो चलिए एक बार हम इसे करके देखते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक नंबर है, इंटीजर टाइप नंबर, और वो नंबर है मेरे पास 23। तो चलिए, मैंने 23 लिख लिया है। अब हम इसका प्रिंट करके देखते हैं कि क्या ये नंबर प्रिंट होकर आ रहा है। तो हम लिखते हैं ऐसे, गिवन नंबर, और जो भी नंबर है परसेंटेज डी कॉमा एनओ। और चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं हम। हमारी सक्सेस है रेट, ठीक है, कोई एरर नहीं, कोई वार्निंग नहीं है, और हमारा नंबर भी स्क्रीन पर 23 आ गया है। तो चलिए, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल करेक्ट काम किया है। अब मुझे ये दो डिजिट का नंबर सेपरेट करना है, तो मुझे ए और बी लेना होगा, ए कॉमा बी। मैंने दो वेरिएबल ले लिए, आप इनको दोनों तरीके से लिख सकते हो, कॉमा लगा के भी लिख सकते हो और इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ कि आप इसे कैसे करेंगे। तो चलिए, अब हम डिजिट सेपरेशन का काम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपको फर्स्ट डिजिट लेनी है तो आप डिवाइड ऑपरेटर लगाइए, और अगर आपको लास्ट डिजिट पहले लेनी है तो आप मोड ऑपरेटर लगाइए। तो चलिए, मैं सबसे पहले मोड ऑपरेटर के जरिए लास्ट डिजिट निकालता हूँ। तो बी इज इक्वल टू नंबर मोड बाय 10। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे बी के अंदर इस नंबर के अकॉर्डिंग 3 मिल जाएगा। चलिए, मैं आपके सामने से प्रिंट भी कर लेता हूँ, ये देखिए। और यहाँ पर ये अब गिवन नंबर नहीं है, ये मेरी सेकंड डिजिट आई है। ठीक है, सेकंड डिजिट। और चलिए, हम इसे प्रिंट भी करके देख लेते हैं। अभी हमारे पास नंबर नहीं, बी में आंसर आया है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल करेक्ट, हमारा सेकंड डिजिट जो है वो 3 ही है। अब चलिए फर्स्ट डिजिट के लिए काम करते हैं। तो ए इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। देखिए, मैंने अभी लास्ट, आप
वीडियो को पॉज कीजिए, पीछे बैक जाइए और दोबारा से जो स्टेटमेंट मैंने इस प्रोग्राम को लिखने से पहले लिखा था उसको आप नोट कीजिए पहले कॉपी में और इसे करके देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है। ठीक है, तो चलिए अब ए के अंदर हमारे पास टू आ चुका है और मैं इस टू को भी अब यहाँ प्रिंट कर लेता हूँ और ये मेरी होगी फर्स्ट डिजिट। तो फर्स्ट डिजिट मेरी ए है तो मैं ए लिख लेता हूँ और चलिए इसे प्रिंट करके देखते हैं। मेरी फर्स्ट डिजिट टू है और सेकंड डिजिट थ्री। इसके ऑर्डर को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। हम इसे कैसे ठीक करेंगे, ये देखिए अब ये ठीक हो गया है। अब देखते हैं इसे, हमारी फर्स्ट डिजिट टू है, सेकंड डिजिट थ्री है और गिवन नंबर हमारा 23 था। तो इस तरीके से आप एक डिजिट को सेपरेट कर सकते हैं। अब इसमें एक छोटा सा ट्रिक हम और डालना चाह रहे हैं। सबसे पहले आप इसे यहाँ पर नोट कर लीजिए, हमने अपना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। अब इसे हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। अब हमारे पास कोई भी दो डिजिट का नंबर चाहिए और हमें उस पर काम करना है, तो हम यहाँ पर यूज़र से एक नंबर पूछ लेते हैं। प्लीज एंटर टू डिजिट नंबर, और यहाँ पर यूज़र एक मैसेज देखेगा और उसको वो मैसेज मिलेगा प्लीज़ एंटर अ टू डिजिट नंबर, यानी कि वो दो डिजिट का नंबर ही डालेगा तभी ये प्रोग्राम उसके लिए ऑथेंटिक और जेन्युइन रहेगा, नहीं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो चलिए हम इसको स्कैन कर लेते हैं, परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ एन ओ, और हमारे पास ये नंबर आ चुका है। देखिए मैंने अब डाला 12, तो 12 में फर्स्ट डिजिट हमारी 1 है, सेकेंड डिजिट हमारी 2 है और गिवन नंबर हमारा 12 था, ये हम कर चुके हैं। तो देखिए इस प्रोग्राम को मैंने आपको दो हिस्सों में करके दिखाया, एक डिजिट सेपरेट करने का कंसेप्ट जो कि आपने यहाँ से यहाँ तक देखा था स्टैटिक कैटेगरी के अंदर, और अब आप इसको डायनेमिक कैटेगरी के अंदर देख पा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा ट्रिक और ऐड कर देते हैं हम कि अब की बार मुझे टू डिजिट नंबर को सेपरेट करना है, डिजिट सेपरेशन चाहिए और मुझे दोनों डिजिट का सम भी चाहिए। तो देखिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमारे पास दोनों नंबर यहाँ तक सेपरेट हो चुके हैं और इसके बाद में कहीं पर भी मैं उसको ऐड करवा सकता हूँ। सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, और थोड़ा सा गलत हो गया है, ए प्लस बी सेमी कॉलन, और यहाँ पर हम इसे सम ऑफ डिजिट्स, और सम ऑफ डिजिट्स किस में है मेरा सम। तो चलिए अब इसे प्रिंट करके देखते हैं। मैंने नंबर डाला 45 और आंसर आना चाहिए 9, बिल्कुल करेक्ट, गिवन नंबर इज 45, फर्स्ट डिजिट इज 4, सेकंड डिजिट इज 5 एंड सम ऑफ डिजिट्स इज 9। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत है, हम इसे ठीक कर लेते हैं और ये हमने इसे ठीक कर लिया है। सो यहाँ पर आप एक टू डिजिट नंबर को स्कैन करवाते हैं, उसके डिजिट सेपरेट करते हैं इस कंसेप्ट के जरिए, मोड ऑपरेटर के जरिए और डिवाइड ऑपरेटर के जरिए, और दोनों के दोनों ऑपरेटर्स हमारे अरिथमेटिक कैटेगरी के अंदर आते हैं। मैं इसे लिख भी देता हूँ आपकी आसानी के लिए। ये जो ऑपरेटर है मोड, जो ऑपरेटर होता है वो आपका रिमाइंडर के लिए यूज़ किया जाता है अगर आप डिवाइड करते हैं 10 से, और अगर आप डिवाइड ऑपरेटर यूज़ करते हैं और 10 के तरीके से करते हैं तो आपको इससे आंसर मिलता है विदाउट एनी फ्लोटिंग। ठीक है, तो इससे आपको आंसर मिलता है। तो ये मैंने लिख दिया है, और ये जो दोनों के दोनों ऑपरेटर्स हैं ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये बहुत अच्छे तरीके से एक दो डिजिट का नंबर स्कैन किया, यूज़र से लिया, उसके डिजिट सेपरेट किए और उन डिजिट्स को जो अलग हुए थे उनका सम करवाया है। तो इस क्लास के अंदर मैं केवल आपको इतना ही बताऊँगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप एक 3 डिजिट नंबर के साथ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जिस स्टूडेंट को ये समझ में आया है वो इसको समझ कर कंप्लीट करें, और जिसे समझ में नहीं आया है वो इस वीडियो को रिपीट करके 2 या 3 बार ज़रूर देखें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और इसी के साथ मैं इस क्लास को आज के लिए समाप्त करता हूँ, जल्दी आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय।